सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो फ़ोटो के साथ कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग को प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस ऐप्स को ओपन कर लेना है। जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए तीन डॉट नीचे लिखा हुआ है, तीन डॉट लिखा हुआ आ रहा है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप तीन डॉट में क्लिक करेंगे, उसमें क्लिक करते हैं साइड में से एक ऑप्शन दिया आ रहा है, उसमें वोल्ट का है। उस वोल्ट में क्लिक करने के बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे आप। जब भी आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको अपना यहाँ पर डाल देना है। तो मैं फटाफट से मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड ओटीपी करता हूँ। सेंड ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी आपको मोबाइल नंबर से आपको लेके वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा ओटीपी आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो वो ओटीपी फ्रेंड्स आ गया है, हम ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। जो भी ओटीपी है मेरा 901482, वो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन नाउ करना है। लॉगिन नाउ जब क्लिक करेंगे, आपको देखिए इस तरह का आपके पास खोल के आ जाएगा, जैसे कि आपका बार कोड दिया रहेगा, आपका नाम दिया रहेगा, आपका फादर का नाम दिया रहेगा और आपका एड्रेस दिया रहेगा यहाँ पर। तो ये जो वोटर आई डी है वो जेन्युइन है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो, जो कि आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। देखिए जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो वो आपको गैलरी में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपका जो गैलरी में मैं अभी मेरा जो डाउनलोड हुआ है, हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने का देखिए यहाँ में फर्स्ट जो आ रहा है वो मेरा अभी मैंने डाउनलोड किया है। तो इस तरह से वोटर आई डी आपको मिल जाएगा डिजिटली। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना, अगर आपका जो और एक मेम्बर है उसका आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, उस ऐप्स को फिर से आपको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। जो कि आपका लॉग आउट ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमें आपका जो ऐप्स का जो क्लियर डाटा है वो पूरा डाटा आपको क्लियर कर देना है। और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहा है कि जो भी है, उसके बाद इसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं इसको। लॉग आउट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर इस ऐप्स को फिर से एक बार क्लोज करके आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर एक भी डाल देना है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और आपका उस मोबाइल पे फिर से और एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फ्रेंड्स वेट कर रहा हूँ मेरा ओटीपी आने के लिए, जो मेरा नया मोबाइल नंबर डाला है वो ओटीपी डालने के लिए यहाँ पे ओटीपी, जब ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद फिर से लॉगिन करना है और यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपको देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे फीडबैक मांग रहा है तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैंसिल, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैंसिल हो रहा है और साथ में एक सबमिट बटन आ रहा है, तो आपको दोनों में से एक सबमिट चूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे फीडबैक नहीं देना है तो मैं यहाँ पर कैंसिल में क्लिक करता हूँ। जब भी आप कैंसिल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स आपको देना चाहते हो तो दे सकते हो। इस तरह का आपको दिखाएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर सब कैटेगरी, जो भी आपको देना है तो दे सकते हो, कोई इसमें नेसेसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का आपको सबमिट कर देना है एपिक नंबर जो भी आपका है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब कैंसिल करते हैं और इसमें फिर से थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, फिर पर्सनल वॉल्ट में जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये मोबाइल नंबर बता रहे कि योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट लिंक्ड एनी एपिक के साथ, कोई भी वोटर आई डी का साथ वो लिंक नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर लिंक करना है तो आपको यस क्लिक करना है। और एम एस क्लिक करके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कोई भी एक वोटर आईडी आप जो भी जिसके साथ लिंक करना चाहते हैं आपका मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे जो भी वोटर आईडी है वो बारकोड स्कैन कर सकते हो, या फिर आपका ईपिक नंबर, अगर सर्च बाय ईपिक नंबर भी कर सकते हो और फिर आपका सर्च बाय डिटेल्स भी कर सकते हो। यहाँ में तीन ऑप्शन है, तो तीनों में से मैं क्या करता हूँ, सर्च बाई डिटेल्स में क्लिक करूँगा, यहाँ पर नाम दे दूँगा जो भी जिनका भी वोटर आईडी यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, देखना है डिजिटली, उनका नाम और उनका रिलेटिव नाम, जो भी फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बाकी सब जैसा है वैसा रहने दीजिए। और सबसे नीचे जाइए, उसमें देखिए लिखा हुआ है सर्च बटन, तो आपको क्या करना, सर्च बटन में क्लिक करना है। जब भी आप सर्च बटन में क्लिक करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे निकल के आएगा उसी नाम का, तो आपको क्या करना, यहाँ में से आपका जो भी है वो चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो है वो पहला वाला ही है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ साइड में स्लाइड करके, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, हमें क्लिक करके यस क्लिक करके आपको हमें आपका पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप एक पासवर्ड देना चाहते हो वो पासवर्ड आपका दे देना है।
उसमें आपका अपर केस, लोअर केस और साथ ही एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना है। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है और सबमिट में क्लिक कर देना है। जब भी आप सबमिट में क्लिक करेंगे वो साथ ही साथ वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके ईपिक नंबर से वो लिंक्ड हो जाएगा और आपको दिखा देगा कि योर रजिस्टर सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया है। उसके बाद ओके करते हैं, फिर थ्री डॉट में और एक बार क्लिक करते हैं और पर्सनल वॉल्ट में जाते हैं। पर्सनल में जाने के बाद आपको जो भी आपने लिंक किया है उनका नाम, फोटो, साथ साथ सब कुछ दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, लिंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे लिंक कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें डाउनलोड करने के बाद देखिए, मैं फिर से गैलरी में जाता हूँ और गैलरी में जाके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी मैंने अभी डाउनलोड किया है। दो वोटर आईडी मैंने डिजिटली डाउनलोड किया है, एक ये और एक दूसरा मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग कोई भी वोटर आईडी के साथ में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और हम लोग अपना जो वोटर आईडी वो डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह डिजिटली। तो ये आपका वोटर आईडी नहीं होगा तो भी आप यहाँ से आराम से ले सकते हो, और आपका कोई भी मेंबर का यहाँ पे आप सर्च करके आप यहाँ से आपका जो भी सर्च करना है, जिनका भी नाम यहाँ पे सर्च करना है वो आप यहाँ से नाम सर्च करके और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो जो भी मेंबर है वो वोटर आईडी आपने अगर नया आप रजिस्टर किया हो वोटर आईडी के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ में नाम डाल के और सर्च करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स मी करके आप उसमें दिखा दिए, ये सॉरी ईपिक प्रोग्राम इज़ नॉट अवेलेबल। आप मतलब ईवीपी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में चल रहा है, वो बाकी सब स्टेट्स में बंद कर दिया, तो हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, बस डाउनलोड कर सकते, रजिस्टर कर सकते। तो इस तरह से हम लोग कोई भी है वोटर आईडी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो देखकर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।